Good. Yeah. अरे अभी देखो, इसको भी देखो। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं अभी उठ गई हूँ तो चरंग भी पीटी जाके आ चुका है, तो अभी सुबह का बच गया है 6। तो ठीक है, उठती हूँ। ठीक है, तो मैं सबसे पहले उठ के पानी थोड़ा गर्म करने देती हूँ। हाँ, उठ तो गई हूँ, सॉरी जग तो गई हूँ, बट बेड से नाम नहीं, कहीं मन नहीं कर रही, क्योंकि बाहर देखा तो मौसम पूरा फोगी फोगी है। तो पहले का कंपेयर में अभी यहाँ पे बहुत ठंडा हो गया, लेकिन इतना भी ठंडा नहीं है कि मतलब स्वेटर लगाए, बट हाँ ठंडा तो हो गया है। चलो अच्छा ही है, मतलब गर्मी से तो थोड़ा अभी का क्लाइमेट बहुत बढ़िया है। तो अभी मैंने सोच लिया है कि मैं बिस्तर से नाम जाती हूँ और पानी थोड़ा पीने के लिए गर्म करती हूँ। चलिए तब तक चलते हैं। आज मैंने उठते ही ये पानी थोड़ा गर्म करने दे दिया, क्योंकि मेरा फिल्टर वाला पानी ख़त्म हो चुका है। चलेंगे अपना ब्रेकफास्ट बना रहे हैं। तो गाइस, मैंने ये रात में चिया सीड भिजा के रखा हुआ था, तो मैं अभी इसमें गर्म पानी डालूंगी। चलेंगे, मैं गर्म पानी करके रखा हुआ है। तो मैंने ये अभी किचन में आया है, चिया सीड को तो मैंने रात को ही भिगो के रखा हुआ था। तो ऐसा होता है कि रात को भिगो के रखने से तो वो पूरा होल नाइट पूरा सोक हो जाता है ना, तो कंज्यूम करने के बाद उसको अच्छा होता है, मतलब अच्छा रिजल्ट आएगा। तो उसमें कुछ लेमन का जूस भी मैं ऐड करूँगी। तो सबसे पहले मैंने हाथ को धो लिया है, हाथ धोने के बाद मैं लेमन का एक टुकड़ा मैं ऐसे करके मतलब हाँ ऐसे डाल दूंगी। मैं डालने के बाद उसके बाद इसको मैं और थोड़ा गर्म पानी डाल के मैं कंज्यूम करूंगी। एक दो दिन पहले तो मैंने हनी भी डाला था, बट हनी में क्योंकि वो मार्केट का हनी है ना, प्योर हनी तो नहीं है, तो इसलिए मैंने उसको मतलब क्योंकि उसमें शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा होगा, तो इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया है। तो अभी मैं वही लेमन और क्या बोलते उसको, और लेमन का स्लाइस थोड़ा कम हो गया, तो फिर दोबारा से मैंने एक काटा नया सा, तो काट के वहाँ से कुछ एक टुकड़ा को मैं लेके फिर से डालूँगी, उसके बाद मैं कंज्यूम करती हूँ। मैंने ये अभी तक रूम का पर्दा को भी नहीं हटाया, तो अभी मैं रूम का पर्दा को हटा देती हूँ, फिर उसके बाद अभी आराम से बैठ के मैं अपना मॉर्निंग रूटीन को फॉलो करती हूँ, जो कि मेरा लेमन और चिया सीड हनी बस वही है। चलो तब तक पीते हैं। अब आप लोग से बातें करते करते भी मैंने अपना ये जो मॉर्निंग रूटीन है उसको मैंने कंप्लीट कर दिया। फिर अभी मैं अपना बेड बनाने जाऊँगी, बेड बनाऊँगी। तो सबसे पहले है मैं अपना बेड को बना देती हूँ। बेड को बना के अच्छी तरह से मतलब वही है, साफ़ सफाई करना, ये सब करना। चलो गाइस, मैं कैमरा थोड़ा ऑफ कर देती हूँ, क्योंकि मेरा स्पेस जल्दी से फुल हो जाएगा, तो मैं मिलाती हूँ उसके बाद दिखाती हूँ। ठीक है, जय बजरंग बली की जय। तो मैंने अपना बेड को भी मिला दिया है अच्छी तरीका से, सुंदर से, एकदम साफ तरीके से मैंने मिला दिया है। तो अभी मैं इसको भी अच्छा से रख दूंगी, रख के होने के बाद मैं देखूंगी अभी आगे क्या करती हूँ। चलिए, तो मैंने आप लोगों को दिखाया किस तरह से मैंने साफ़ किया, अच्छा से देखा ना गाइस, मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। तो ऐसा होता है कि मुझे मतलब पूरा प्रॉपर तरीक़ा से साफ़ सुथरा और प्रॉपर तरीक़ा से रहता है ना, मेरा दिन भी बहुत अच्छा जाता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वही है, अभी मैंने चिया सीड मेरा थोड़ा रह गया था, मैं उसको फिर से दोबारा से कंज्यूम कर रही हूँ। जो इसका सीड खोजो ना, मतलब च्यूइंग करके इतना
मज़ा आता है ना मुझे, तो वही। और साथ ही साथ मैं अपना फिगर को भी चेक करेंगी कि पतला हुआ कि नहीं हुआ। तो गाइस आप लोग पता ना, अगर मैं पतला हुआ, थोड़ा पतला हुआ हूँ तो ठीक है, मुझे तो लगता है कुछ थोड़ा पतला तो हुआ हूँ मैं पहले के कंपेयर से, तो वही मैं अभी थोड़ा तो बेनिफिट हुआ है मुझे इसका। तो चलिए अब तो मैंने अपना बेड भी मिला दिया, चिया सीड भी खा लिया, तो अभी मैं अपने रूम को झाड़ू लगाऊंगी। झाड़ू लगाने के बाद अच्छी तरह से मैं झाड़ू वाड़ू लगा देती हूँ। झाड़ू लगाने के बाद पूजा वूजा कर लूँगी, फिर उसके बाद देखूँगी बाहर अगर फैमिली वाला कोई लेडीज बाहर आया तो निकल के थोड़ा बातें शातें करूँगी। गाइस वही है, आप लोग शायद बोरिंग भी हो जाएगा होगा क्योंकि मेरा ऐसा कुछ अलग कंटेंट तो नहीं है, डेली का लाइफ स्टाइल है, वो भी मैं कभी कभार ही डाल दिया। तो कोशिश करूँगी कि आज से मैं डेली डालने के लिए, तो आप लोग भी मुझे सपोर्ट करना गाइस, क्योंकि मेरा ये इतना ग्रो तो नहीं कर रहा है फिर भी। तो वही है मेरा डेली का जो रूटीन है, जो होम लाइफस्टाइल जो है उसी को ही मैं फॉलो करती हूँ, और इसमें कुछ फेक नहीं है, कुछ मतलब बनावटी नहीं है, जो है बस वही है, उसी को ही दिखाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। तो गाइस आते ही मतलब रात को मैं थोड़ा जल्दी से ही सो गया, जाने के कारण मैंने किचन का साफ़ सफाई अच्छे से नहीं किया, तो अभी वही है मैं मॉर्निंग को कर लूँगी। तो किचन का हालत भी बुरा ही था, तो चलो मैं सबसे पहले तो बर्तन को धो देती हूँ, फिर उसके बाद गैस टेबल वगैरह सब कुछ साफ़ सफाई कर लूँगी। या बादल बरसा, ओ बादल बरसा, बादल बरसा बिजुली, सावन का पानी फिले फिन देने जिसु जिसु फिन देने जुजु ना ना मन तंदा, सावन बरसा बिजुली सावन का पानी। ओ वीडियो बनाने से कुछ नहीं है ना, खराब नहीं पाएगा ना, तेरा तो ना दिखा ना बादल पर इधर आ तुम करते रहो करते रहो। आ इधर आ अम्मा जिंग में सब बस तो ना कर देना बस जाना ना मैं जाना ना फिर जाना ना चीज़ अब 520 रुपए की इसका आपको पति का होगा नहीं 20 रुपए रे सांगे ये बस है थैंक यू इजो पीछे पीछे गोर गोर हम गोर क्या करेगा बेटा पूछो तो इसको पैसा का क्या करेगा पूछो तो देखो ना आंच पत्ते देखो ना देख तेरे ना आंच पत्ते देखो घुमिशो मम्मा घुमिशो घुमिशो छुपाओ मम्मा घुमिशो इसको समझ में भी नहीं आ रहा होगा ये क्या है बोल के कागज है ना पैसा है मालूम होते इसको जिंग में दी घर है घर है आजा आजा भाई आजा भाई छिपी छिपी फिर घूमते हमें दूंगा थे दूंगा थे दूंगा थे हम दूंगा थे दूंगा थे कहा छुप रही है यो छुपा दिया रे जिंग में ने पैसा छुपा दिया रे अभी हम तो पैसा ले जाएगा हम तो पैसा ले जाएगा पीछे ले जाएगा सावन बरसे बादल बरसे
या अरे ए ये तो आज भी आना अभी आनी अभी आनी गे लगो गे 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 नाम गे दीदी को गे गे किसको देते देखेगा किसको देगा देखेगा हम भी नाम ये कौन भी सही लीची के लिए लीची 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 भी लेना आज भी अम्मा आज भी नींदी का मुझे दिमाग खराब जाना ना फिर भी अम्मा बाय जाना ना चीज़ हेलो गाइस मैं अभी वहाँ से आ गई हूँ वहाँ मैं थोड़ा बैठा था फैमिली वालों के साथ तो अभी आते ही मैंने दाल चढ़ा दिया है फिर उसके बाद कैबेज को मैंने इस तरह से बारीक बारीक करके कटा हुआ है तो मैं आज बनाऊंगी दाल और कैबेज की सब्जी जस्ट बिकॉज मतलब क्योंकि आज मैं लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ इसलिए ठीक है सिंपल फैमिली वाला आ गया बोलते हैं तो उसका ताला खोल दो ताला तो बना के हो गया तो अभी मैं थोड़ा सा ऐसे ही वॉक कर रही हूँ क्योंकि लेकी भी आ रहा है बोला तो दिखती हूँ वॉक करेगा थोड़ा धूप ही इतना अच्छा नहीं है मौसम बहुत मतलब इतना धूप खुल के नहीं आया आज लेकी भाई दो आ रहे लेकी भाई दो ई रिक्शा में वाओ ब्यूटीफुल कार चल क्या इसको भी देखो अभी तुम तो गया अभी तुमको तो हम डाल देगा यूट्यूब में डाल देगा अभी हम प्लुंग प्लुंग कर गया ये इतना मैच है ना देखने में भी ना बच्चा नहीं रहता ये भूख लगने जैसे भी रोएगा ये ऐसे बच्चे देख फिर पैदा करने अब हाय बोलो ना हाय बोलो ना बोलो ना इतना अच्छा लग रहे इंच में लग रहे वे कसम निम्बा निम्बा लाइ पत्ता मन पत्ता अभी इसका होगा डिवाइड कितना से डिवाइड होगा अरे किन्ना
तो गाइस मैं अभी वहां से आ गई हूँ। तो दोस्त ने थोड़ा सा सब्जी वगैरह लाके दिया था, तो उसको लेके मैं अपने रूम में आ गई हूँ। लंच भी हो गया मेरा, तो थ्रिंग भी अपने ड्यूटी से आके अपना दूसरा वाला कमरा में बैठा हुआ है। तो मौसम भी ठंडा ठंडा है, तो थोड़ा सा पतला वाला कम्बल ओढ़ा है। और क्या, अभी थोड़ा मूवी वगैरह देखेंगे, थोड़ा बिग बॉस देखेंगे, क्योंकि इस सीजन का बिग बॉस काफी मुझे अच्छा लग रहा है। क्योंकि हमारा नॉर्थ ईस्ट का लड़की भी है जिसका नाम है खानजादी, तो वो मेरा फेवरेट क्या बोलते हैं, फेवरेट है। तो उसको मैं कंटेस्टेंट है, वो मेरा फेवरेट कंटेस्टेंट है, तो उसको मैं अभी देखूंगी। तो ठीक है गाइस, मेरा वीडियो को, आज का वीडियो मैं यही एंड करना चाहूँगी, काफ़ी लंबा नहीं करूँगी, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं। ज़्यादा आप लोगों को लंबा हो जाएगा तो आप लोग बोर भी हो जाएगा, तो इसलिए ज़्यादा मैं लंबा नहीं करूँगी, बस इतना ही। तो गाइस, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस ठीक है, तो बाय बाय, फिर एक मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ।